जय श्री राधा कृष्णा। कान्हा, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम, बस यूं ही साथ निभाना जब तक जिंदा है हम। परम आंखे बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन सच्चा भाव पक्का हो तो कृष्ण को मनाना रिझाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कान्हा अपने दोनों हाथ फैलाए हम सबको अपनी ओर बुलाते हैं, पर हम पापी कलयुग और माया के प्रपंचों में फंस कर उनके पास जा ही नहीं पाते। कभी दर्शन करने वृंदावन पहुंच भी जाए तो बढ़िया ब्रज की लस्सी पेड़े अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। अगर उनसे भी ध्यान हटाएं तो माया के जाले आंखों में आ जाते हैं और मंदिर में ही लड़ने लगते हैं, तुमने मुझे धक्का दे दिया, यहां से हटो, ये मेरी जगह है। बिहारी जी के सामने मंदिर में ही लड़ाई हो जाती है। क्या देखा है आपने भी कभी ऐसा? अगर हाँ तो कमेंट करके अभी अपना अनुभव बताना। अब एक सत्य घटना बताती हूँ। ये घटना है 1980 के आसपास की। भीखू नाम का एक लड़का दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में माता पिता और एक छोटी बहन थी। पहाड़गंज इलाके में ही रेलवे स्टेशन के सामने घी मंडी में उनका एक टूटा फूटा सा घर था। घी मंडी जगह नाम से लगती है जैसे वहाँ घी का व्यापार होता होगा, पर ऐसा नहीं है, वहाँ तो गरीबी ने पैर पसार रखे हैं। भीकू के पिता दिहाड़ी मजदूर थे, कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता, ऊपर से ज्यादातर वो हमेशा बीमार ही रहते थे। घर में खाने के बहुत लाले थे। भीकू उस समय 16 साल का था। गरीबी की वजह से पढ़ाई वगैरह भी कुछ नहीं की थी। वो दिल्ली रेलवे स्टेशन में रेलगाड़ी में साफ सफाई का काम करता था। उसे जो पैसे मिलते उससे ही घर का गुजारा बसर चलता था। अब कई बार हमारी किस्मत को पलटना होता है या हमारे कुछ, मैं कहती हूँ, पुण्य कर्म आगे आ जाते हैं। एक दिन हुआ क्या, रेलगाड़ी साफ करते हुए एक सीट के नीचे से भीकू को एक पर्स मिला। पर्स को पकड़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसको लगा कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। उसने जल्दी से पर्स उठाया और अपनी निक्कर की जेब में डाल लिया। अब वो इस इंतजार में था कि कब गाड़ी रुकेगी, कब वो इस पर्स को खोलकर देखेगा इसमें कितने पैसे हैं, और उन पैसों से अपने घर के लिए कुछ राशन लेकर आएगा, बीमार पिता के लिए कुछ दवा वगैरह लेकर आएगा। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही वो जल्दी से गाड़ी से उतरा और भागा और कहीं अकेले में जाकर जल्दी जल्दी उस पर्स को खोलकर देखने लगा। पर्स को देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि पर्स बिल्कुल खाली था, सिर्फ कुछ पर्चियां 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 कागज 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 ही भरे हुए थे। वो मोटा सा पर्स इसीलिए लग रहा था। उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, एक सिंगल रुपया उसके अंदर नहीं था। पर्स की पिछली जेब में उसको किसी एक भगवान की तस्वीर नजर आई। पर्स में जैसे फोटो वगैरह लगा रखी होती है तो वो किसी भगवान की फोटो लगी हुई थी। तस्वीर को देखते ही जैसे उसके शरीर में हलचल सी होने लगी और उसकी आंखों से आंसू निकल गए अपने आप ही और उस तस्वीर के चरणों पे गिर पड़े। अब वो देख रहा है कि आंसू क्यों निकल रहे और मुझे इतना ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है। अब कई लोगों को ये लगेगा कि उस समय भीखू के आंसू इसलिए निकले क्योंकि पर्स खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था, पर सच्चाई ये है कि उस तस्वीर को देखकर वो आंसू निकले थे। पर भीखू को ये नहीं पता था कि तस्वीर है किस भगवान की, किस स्वरूप की है। खैर, बहुत हिम्मत करके वो वहां से उठा और थके हुए कदमों से चलता हुआ वापस अपने घर की तरफ आ गया। अब चलते चलते वो सोच रहा था कि आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है, माँ बहन पिता सभी भूखे हैं, किसी ने एक दाना भी नहीं खाया है, बीमार पिता को दवाई खाने से पहले कुछ खाना देना होता है, खाना कुछ है ही नहीं तो दवाई भी नहीं खा पाएंगे। ये सोचते सोचते गली के नुक्कड़ तक वो पहुंचा। वहां पे उसने देखा कि किसी की शादी का बचा हुआ खाना वहां पर सेठ जी लोगों में बांट रहे हैं। अब भीखू भी जल्दी से लाइन में लग गया, उसको भी 2-3 लिफाफे भरकर खाने का मिल गया। अब तो भाई वो बड़ा खुश हुआ, उसकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। घर आते ही उसने वो सारा खाना अपनी माँ को दिया और कहा, देखो माँ आज मैं कितना सारा खाना लाया हूँ। अब खाना देखकर तो भाई बढ़िया, माँ भी खुश हो गई, शादी का खाना बिल्कुल चकाचक, और बोली, वाह ये तो तूने बड़ा ही अच्छा किया, तेरी बहन तो भूख के कारण सुबह से ही रोए जा रही है, तेरे बीमार पिता को भी अभी तक कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाएंगे तभी तो दवाई खा पाएंगे, और मुझे पता है तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। अब कहते हुए माँ ने वो सारे लिफाफे पकड़े और उन्हें बर्तनों में निकालने लगी।
भीकू बड़ा हैरान था, क्योंकि जो सेठ उसको देखकर हमेशा नाक मुंह सिकोड़ता रहता था, आज उसने बड़े आराम से उसे खाने को दे दिया, और वो भी इतना सारा खाना। तभी उसने जेब में से पर्स निकाला और उस तस्वीर को देखने लगा, और दिल ही दिल उसका मन कह रहा था कि जब से तस्वीर मिली है तभी ये हुआ है, अरे ये इस तस्वीर की वजह से हुआ है, और उसको दिल ही दिल धन्यवाद भी दे रहा था, शायद आज आपके कारण ही मुझे खाना मिला है, अपने मन ही मन वो बोल भी रहा था। उस रात सबने बहुत दिनों के बाद इतना बढ़िया खाना खाया और इतने अच्छे से खाना खाया। माँ बोली, बेटा अभी भी खाना इतना सारा बचा हुआ है कि कल भी आराम से चलेगा। अब अगले दिन भीकू काम के लिए निकला। स्टेशन पर पहुंचते ही वो गाड़ी में चढ़ने ही वाला था, तभी एक बीमार बूढ़ी सी औरत कहने लगी कि बेटा मेरी जरा एक टिकट ले आ, मेरे पैर में चोट लग रही है। तो भीकू बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी, मैं अभी ला देता हूँ। उस बुढ़िया अम्मा ने उसको 100 का नोट पकड़ाया, पैसे लेकर झट से वो टिकट लेने के लिए दौड़ पड़ा। तभी गाड़ी की सीटी बज गई और गाड़ी चलने को तैयार हो गई। भीकू जल्दी से टिकट लाया तो भागते हुए ट्रेन की खिड़की में से ही उस बूढ़ी औरत को टिकट पकड़ाने लगा। टिकट देकर जैसे ही बचे हुए पैसे दे रहा था तो वो औरत बोली, ये तू ही रख ले। पूरे 45 रुपये बचे थे, मतलब बड़ी रकम होती है 45 रुपये, आज के समझो जैसे 4,500 रुपये हो गए। भीकू हैरानी से हाथ में पकड़ के पैसों को देख रहा था। तब तक गाड़ी जा चुकी थी, वो गाड़ी में ना चढ़कर घर की तरफ चल पड़ा, और रास्ते में उसने एक हफ्ते का उन पैसों से राशन ले लिया और माँ को बोला, देखो माँ आज तो मैं खूब कमाई करके लाया हूँ, ये पूरे एक हफ्ते का राशन है। अब माँ भी देखकर बड़ी खुशी हुई। तब उसने जेब में से फिर वही भगवान की फोटो निकाली और देखने लगा और कहा कि मेरा दिल कहता है ये सब चमत्कार आपकी वजह से ही हो रहा, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। और उसने वो तस्वीर निकाल कर अपनी माँ को भी दिखाई और कहा, माँ ये कौन से भगवान है क्या पता है तुम्हें। अब माँ थी कि उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि देखो वो तो राशन को संभालने में लगी थी, उनके घर में पहली बार इतना सारा सामान एक साथ आया था, है ना। तो माँ तो इसी चिंता में थी, मैं इसको रखूँ कहाँ, इधर रखूँ, डब्बे भी नहीं है। और भीकू ने देखा कि माँ नहीं देख रही तो उसने पर्स अपनी जेब में ही रख लिया। अब जीवन में कुछ तो परिवर्तन सा आ गया था, खाने को भी मिल रहा था, मन बराबर उस तस्वीर को देखने को करता था, भीकू हर समय वो पर्स अपने ही पास रखता और दिन में कितनी ही बार उस फोटो को निकाल निकाल कर देखता, बार बार पूछता कि तुम कौन हो, उस तस्वीर से बातें करता। कुछ दिन के बाद जब वो रेलगाड़ी में सीटों के नीचे सफाई कर रहा था, तभी 8-10 लोग वही तस्वीर लेकर जोर जोर से कीर्तन करते हुए ट्रेन में चढ़े। अब भीकू तो उस तस्वीर को देखकर एकदम हैरान हो गया और सीट पर बैठी एक बूढ़ी औरत को हाथ जोड़कर बोला, माँ जी ये कौन है और आप क्या भजन कर रहे हो, मुझे बता दो। तो वो औरत बोली कि ये श्री बांके बिहारी जी है, ये वृंदावन में रहते हैं और जो भी इनकी शरण में जाता है बांके बिहारी जी उसकी सभी इच्छाओं को पूरा कर दे, इन्हें तुम वृंदावन के मालिक ही समझ लो। अब भीकू ने जेब में से वो पर्स निकाला और उसमें लगी तस्वीर उन माता जी को दिखाते हुए बोला, माँ जी यही है ना बांके बिहारी जी। तो वो बोली, हाँ बेटा यही है बांके बिहारी जी। भीकू की आंखों में आंसू आ गए, वो बोला, मुझे भी वृंदावन जाना है, क्या आप मुझे ले जाओगे। वो माता जी बोली, ये गाड़ी वृंदावन ही तो जा रही है, तू भी चल हमारे साथ। अब भीकू को अपने माँ पिता और बहन के खाने की कोई चिंता तो थी नहीं, क्योंकि बिहारी जी ने तब तक उनके लिए काफ़ी इंतजाम करवा दिया था। भीकू माता जी और उन 8-10 लोगों के साथ ही चल पड़ा। वृंदावन पहुँचते ही वो सब लोग तो अपने अपने रास्ते निकल लिए। अब भीकू को ये पता ही नहीं था कि भाई उसे जाना कहाँ पे है, बिहारी जी आखिर रहते कहाँ हैं। वो लोगों को बिहारी जी की तस्वीर दिखाकर पूछ रहा था कि ये कहाँ रहते हैं, और सब लोग उस पे हंस रहे थे और कह रहे थे ये वृंदावन उन्हीं का तो है, वो हर जगह ही है, हर जगह बिहारी जी है। भीकू बोला, हर जगह है ठीक है, पर उनका घर कहाँ है, मैं कहाँ जाकर उनसे मिल सकता हूँ। अब भीकू की बात सुनकर एक बड़े अच्छे सज्जन थे, पुरुष थे, उन्होंने बोला, चलो मैं तुम्हें बिहारी जी के पास ले जाता हूँ। वो सज्जन पुरुष रिक्शे पर बिठा कर भीकू को बिहारी जी मंदिर ले गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी, ऐसे तैसे भीकू मंदिर में घुसा, उन सज्जन का कुछ नहीं पता चला, शायद वो पीछे रह गए या आगे निकल गए, नहीं पता। भीड़ एकदम जबरदस्त थी, भीकू को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था,
वो दूर से ही देखने की कोशिश कर रहा था। उसको एक झलक मिली बिल्कुल तस्वीर जैसे, और वही इतने प्यारे लगे थे। देख देख कर वो निहाल हो रहा था और उनको देखे जा रहा था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, मतलब आंखों में आंसू इतने ज्यादा भर गए थे ना कि बिहारी जी की छवि उसे धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। और तभी अचानक से मंदिर की लाइट चली गई। आंखों में एक तो पहले ही आंसू से धुंधलापन हो रहा था और लाइट हो गई थी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसको अपने पास एक तेज रोशनी सी नजर आई और उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ के खींच रहा है। उसने ध्यान से देखा, छोटा सा बालक उसको अपनी ओर खींच रहा था और कह रहा था, भिकू तुम आओ मेरे साथ चलो। वो बालक इतना प्यारा, इतना मनमोहक था कि भिकू कुछ कह ही नहीं पा रहा था और वो चुपचाप उसके साथ चल दिया। अंधेरे में भी वो बालक चमक रहा था, आंखें मोटे मोटे चांद लग रहे थे, बाल हवा में लहरा रहे थे और बड़े ही प्यारे थे। वो बालक भिकू को एक कोने में ले गया और बोला, तुम अब आए हो, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। भिकू बोला, पर तुम कौन हो। वो बालक हंसा, हंसी ऐसी जैसे हजारों चूड़ियां एक साथ खनकी हो। वो बोला, मैं वही हूँ जिसको तुम अपनी जेब में लेकर घूम रहे हो। तेरा मेरा नाता तो उसी दिन बन गया था जब तूने मेरी तस्वीर को देखकर अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया था। तब से तू मेरी शरण में है और मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। आज तुम आ ही गए, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। भिकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका मन कह रहा था कि मैं खुद इस स्वर्ग को छोड़कर वापस जाना नहीं चाहता। भिकू बोला, मैं यहाँ रह जाऊंगा तो मेरे माता पिता और छोटी बहन का क्या होगा। बिहारी जी उसके मन की चिंता तो समझ ही गए थे और कहने लगे, तू उनकी चिंता मत कर, एक सेठ जिसे तेरे इलाके में बाजार बनाना था उसने वहाँ के सभी घरों को खाली करने के लिए बहुत अच्छे पैसे दिए हैं। तू अपने माता पिता को भी यही वृंदावन में लिया, अब से तू मेरा सखा है, आज से तू मेरी शरण में है। मेरी शरण में जो एक बार आ जाता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। भीकू को तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो अपनी आंखों में आंसुओं की धारा बहता हुआ बिहारी जी के पांव में गिर पड़ा। तभी लाइट आ गई। भीकू ने सर उठाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, वो तो मंदिर में सामने विराज रहे थे और हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बिहारी जी की अपने ऊपर ऐसी कृपा देखकर भीकू तो धन धन हो उठा और बिहारी जी को निहारता रहा, निहारता रहा, वही खड़ा रहा और मन में बोलता रहा, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। कितनी देर वहां भीखू खड़ा रहा नहीं पता। जब बिल्कुल मंदिर बंद होने का समय हुआ और गोसाई जी ने उसे बाहर निकाला, उस समय वो बाहर निकला, सीधा वो वापस दिल्ली आया। माता पिता ने वही सेठ वाली बात बताई, सेठ ने घर के बदले में बहुत अधिक पैसे दिए थे। भीखू माता पिता और बहन को लेके सीधा वृंदावन आ गया। यहाँ उन पैसों से बढ़िया पक्का मकान लिया और बिहारी जी मंदिर के बाहर फूलों की माला की दुकान लगा ली। भीखू खूब प्रेम से फूल लाता, प्रेम और लगन से माला बनाता और उसकी माला यूं ही हाथों हाथ बिक जाती। शायद जितना भीखू को बिहारी जी के लिए माला बनाना पसंद था, उतना ही बिहारी जी को भी भीखू की बनाई माला पहनना पसंद था। देखा, अगर भक्त का भाव हो तो हमारे ठाकुर भी कितनी कृपा करते हैं। बोला, भक्त और भगवान की जय। अब कई लोगों को लगेगा कि क्यों बिहारी जी ने उसे साक्षात दर्शन दे दिए, क्यों उस पर इतनी कृपा करी। तो देखो भाई, ये प्रेम की बात है। कई लोग कोशिश करते रहते हैं और पूरी जिंदगी प्रेम नहीं कर पाते, और कई सिर्फ एक बार देखते हैं और उन्हें बिहारी जी से इस कदर प्रेम हो जाता है कि क्या ही कहूं। और हमारे बिहारी जी तो प्रेम अवतार ही हैं, प्रेम की भाषा सुनते हैं, समझते हैं। आपका क्या विचार है अभी कमेंट करके बताओ। मेरे कान्हा, जब नाम तुम्हारा आता है पता नहीं ये मन क्यों मुस्कुराता है, तसल्ली हो जाती है बस ये सोचकर, चलो कोई अपना तो है जो हर वक्त मुझे याद आता है। बोले, बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय।
अगर भक्त के प्रेम और बिहारी जी की कृपा की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, शरीर में कंपन हुआ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।